यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। और वहीं सोनीपत के राय में बदमाशों ने एक ठेकेदार से 2 करोड़ रुपए की रंगदारी की मांग की है। और बताया जा रहा है कि रसोई गांव के निवासी ने पुलिस को सूचना दी है कि उससे फोन पर 2 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई और फिरौती नहीं देने पर उसे 10 दिन के अंदर जान से मारने की धमकी भी दी है। वहीं जांच अधिकारी का कहना है कि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और एक स्पेशल टीम को इस मामले की जांच के लिए गठित कर दिया गया है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और आगे पुलिस जो है वो इस मामले की जांच में जुट गई है। मनोज सनोप्रो तासे गांव रसोई जो शराब के ठेकेदार है उसकी तरफ से लिखित शिकायत प्राप्त हुई जिसने बतलाया है कि उसके मोबाइल फ़ोन पे व्हाट्सएप कॉलिंग करीब 4:45 बजे राजू बसोदी के नाम से प्राप्त हुई कि या तो 2 करोड़ रुपए दे दे नहीं तो जान से मार देंगे, जिस पर हमने तुरंत FIR दर्ज करके एक स्पेशल टीम का गठित करके आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए भेज दिया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मंदीप सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। मंदीप, ठेकेदार से 2 करोड़ रुपए की जो है वो रंगदारी मांगी गई है, तो क्या है पूरा मामला? तो कुलदीप, यहाँ पर ठेकेदार से 2 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई है, क्या है पूरा मामला? जी मैम, कल रात को ठेकेदार के पास फोन आया कि तुम्हें मुझे 2 करोड़ रुपए दे दो नहीं तो तुम्हें जान से मार दिया जाएगा। फिर उन्होंने पुलिस को सूचित कर दिया, पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। जी जी, तो क्या अभी कोई आरोपी जो है वो गिरफ्त में आया है पुलिस के या नहीं? नहीं, अभी कोई आरोपी गिरफ्त में नहीं आया, पुलिस कर रही है जांच जारी है, जांच के बाद आरोपी को जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा, उसमें कई टीमें गठित कर दी गई हैं। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया कुलदीप सिंह तमाम जानकारी के लिए। तो यहाँ पर ठेकेदार से 2 करोड़ की रंगदारी मांगी गई थी और पुलिस ने इस मामले में संज्ञान ले लिया है और पुलिस जो है वो आगे की जाँच में जुट गई है।